ऐसा लगा आपको एकदम भगवान बात? तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई दो मत नहीं कि सारी लाल जी मेहनत नहीं की इस पिक्चर में, मार एक्शन जो भी फौजी का एक होना चाहिए वो सब कुछ दिखाए। लग ही नहीं रहा ये भोजपुरी पिक्चर बना है, हिंदी के तरह ये पिक्चर बना है, ये अपने देहात का पिक्चर है ही नहीं, बॉर्डर का सीन सब है, बहुत अच्छा एक्शन किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगा कि खेसारी जी कुछ अलग करके लाए हैं, संघर्ष टू से बेटर करके लाए हैं। हाँ, संघर्ष टू से बेटर करके आए हैं, एक्शन मारपीट हर चीज जो है बॉर्डर पर में जो एक सैनिक करता है वो करके दिखाए हैं। हीरोइन का काम कैसा लगा? दो हीरोइन का काम चार दीवारी के अंदर रहा, कोई बाहर का उनका कोई भी ऐसा सीन नहीं है ताकि पब्लिक को लुभा सके, लेकिन घर के अंदर में जो होना चाहिए उस चीज से पब्लिक को मोह मोड़ लेते हैं, अच्छा लगता है देखने में, उसमें कोई दो मत नहीं। एक माँ का रोल किए हैं, एक पुतों का रोल किए हैं, लेकिन दोनों का रोल बहुत अच्छा जचा। चार दीवारी के अंदर में है, वो गाना उना है बाहर में, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, इसमें कोई दो मत नहीं। गाना कैसा लगा आपको? गाना भोजपुरी वाला लेवल वाला है कि गाना कि उससे डाउन वाला? नहीं, भोजपुरी लेवल वाला गाना तो नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। हाँ, फुल फैमिली के साथ देखिए, कहीं भी बोर नहीं होगी। मतलब चटक मटक जो गाना होता है वो भोजपुरी वाला जो रसेदार वाला जो गाना होता है, भोजपुरी वाला जो चटक मटक होता है वो नहीं है, लेकिन हाँ देखने लायक पिक्चर है, जो कि एक सैनिक का क्या बॉर्डर पर होता है वो सब दिखाया गया, दर्शाया गया है, वो सब चीज है इसमें। कॉलेज का भी सीन है, चार चार रोल इसमें किए हैं खेसारी लाल जी, देखने में सब रोल ही इनका अच्छा है। तो जरा ये भी बता दीजिए, आप इतना तारीफ कर रहे हैं तक खड़े हुए हैं विनय में ही है, तक कलेक्शनवा का पैसवा कितना कुछ आया देखिए पता चल जाए। देखिए हमारे यहाँ लिट्टी चोखा चला, बाप जी चला, बहुत सा पिक्चर हमारे यहाँ तो आते ही रहता है, हम यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, तो जितने भी पिक्चर अभी तक लगा है उसमें जैसा अभी हमारे पास कलेक्शन है मिला जुला मान के चलिए, लेकिन वैसा बम्पर जो कहिएगा तो अभी 350 हॉल में लगा है ये पिक्चर, मॉल में भी लगा है, उस अनुसार जो है सब कुछ पब्लिक सिटी भी मार खाया है, और कुछ जो है से मॉल उल भी इनको जकर लिया है, तो वो सब लेके थोड़ा सोसो है हमारे यहाँ, नहीं तो अभी तक 3 दिन तो हाउसफुल होना ही था, इसमें कोई दो मत नहीं। भोजपुरी को जिंदा रखे हुए तो वो बिना रखे हुए है, बात सही है। हाँ, तो भोजपुरी पिक्चर में ऐसी नहीं है कि ताकत नहीं है, लेकिन इस रंग दे बसंती में जो है वो खेसारी लाल जी अपना ताकत दिखा दिए हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पब्लिक भी जो भी देखते हैं, दर्शक लोग देख के आते हैं, कहते हैं आह क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है, तारीफ करते हैं। कल आप बोले कि भाई थोड़ा ऑन एंड एवरेज रहा, तो आज सेकेंड दिन है, दूसरा दिन है, और शाम वाले का मतलब मैटनी का शो का चला गया है, इवनिंग चल रहा है, तो रिस्पांस क्या है आज का दूसरे दिन का? रिस्पांस कैसा? हमारे यहाँ भी 50-50 है, 50-50 है, हाउसफुल नहीं है, 50-50 है, इसलिए कि गर्मी इतना है कि दर्शक लोग आ नहीं रहे, बाहर घर से बाहर निकल नहीं रहे, लू के लेकर के वो सब लेके भी कुछ मार खाया है, ऐसी बात नहीं है, यही कुछ अगर धीमा रहता तो जरूर थोड़ा मौसम थोड़ा नॉर्मल रहता जरूर आते, लोग चल नहीं रहे रोड पर में, इसलिए कि लू मार देगा। कल संडे है, कल संडे का क्या हिसाब किताब? कुछ गर्माहट बढ़ेगी फिर से? गर्माहट तो कल जरूर बढ़ेगी, जितना लोग पूछ करके गए हैं कि कैसा पिक्चर है, क्या है, कैसों में चला रहे हैं, हम लोग तो 500 में चला रहे हैं, हम लोग सबको कहते हैं 500 में चला रहे हैं, देखिए आइए और प्रेम से बैठ के देखिए। तो लोग कल के बारे में सोचे हैं जो कल आएंगे, बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटर से आते हैं, अब पूछ के जाते हैं कै बजे शो है, तो हम लोग शो बता देते हैं 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 9 बजे, सुबह में 9 बजे से है, तो सब हम लोग बताते रहते हैं। पब्लिक सिटी तो ऐसे इसका हो ही गया लगभग, लेकिन कल से दर्शक लोग को हमारा उम्मीद है जितना पूछ के जा रहे हैं इससे बेटर रहेगा। तो देखा कि भाई आप भी कल खेसारी लाल यादव के बगल में खड़े थे, मिले उले हैं, सेल्फी फोटो मिले हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्रेम किए, बहुत प्रेम से बात किए, बहुत सा वीडियो हम उनके पास भेजते रहते हैं सिनेमा का, वो भी देखे, बहुत तारीफ किए, बहुत अच्छा लगा उनको, और इतना ना क्रेड था कि सही ढंग से बातचीत भी नहीं हो सका 2 मिनट। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर जो है उनका कोई पिक्चर रिलीज होगा तो फिर वो आएंगे। अच्छा, खेसारी जी का थिएटर में आने से क्या फिल्मों को फ़ायदा होता है क्या? बहुत फायदा होता है, मोस्ट पब्लिक सिटी होता है जो खेसारी लाल जी बिना में आए, दर्शक लोग आए, उनका जो कलाकार है, हीरोइन है,
मान के चलिए भिलन है, वो लोग भी आते हैं, दर्शक लोग देख करके खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है जो हम लोग के बीच में तो आए कम से कम, बहुत खुशी होता है पब्लिक को। तो कल के लिए क्या कहिएगा कि जो फिल्म अभी तक पटना के आसपास में है, जिन्होंने फिल्म नहीं देखा है तो उनके लिए कुछ कहिएगा कि नहीं आ करके देखें? हम तो यही कहेंगे आ करके देखिए, पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, ये भोजपुरी नहीं, भोजपुरी अलग हो करके ये पिक्चर बना है, जो कि हिंदी के तरह पिक्चर लगेगा आपको देखने में, मार एक्शन डायलॉग सब चीज़ है इसमें, कोई कमी नहीं। थैंक यू बाबा, धन्यवाद।